हेलो बच्चों, संदीप ज्ञान चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन लेके आए हैं और ये जो नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है पोस्ट ऑफिस है यानी कि डाक विभाग में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आई। ये जो जॉब निकल रही है वो GDS से अलग जॉब है, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर आपको पेमेंट दिया जाएगा कि 19,900 से इसमें आपका पेमेंट स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो सैलरी है आपकी 19,900 रहने वाली है प्रथम। इसके साथ बात करेंगे, यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है 10वीं पास। यदि आप 10वीं पास हैं तो ये फॉर्म जो है आप अप्लाई कर सकते हैं और ये सभी राज्यों के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर पाएंगे, यानी कि सभी राज्य जैसे कि आप मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कहीं से भी हैं ये फॉर्म भर पाएंगे। और इसका जो फॉर्म है आपको इस प्रकार का फॉर्म भरना होगा। आप देख सकते हो, हम आपको कंप्लीट जानकारी समझाएंगे कि कैसे फॉर्म भरना होगा, क्योंकि ये ऑफलाइन मोड से फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। हम आपको एक फॉर्म दे देंगे, वो आपको वर्क के ऑफिशियल एड्रेस पे सेंड कर देना है। तो बच्चों, सबसे पहले करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक की सहायता से आपको ये जो है फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, यानी कि फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं आप। ये प्रिंट आउट निकाल के ये फॉर्म आपको भरना है। किस प्रकार भरना है, सबसे पहले आपका यहाँ फुली नेम होना चाहिए, यानी कि आपका यहाँ नाम क्या है। जैसे कि मेरा नाम प्रदीप कुमार है तो मैं यहाँ प्रदीप कुमार लिख देता हूँ बड़े लेटरों में, ठीक है। प्रदीप कुमार लिखने के बाद आपको यहाँ करना क्या है, फादर्स नेम लिखनी है, पोस्ट अप्लाइड फ्रॉम, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का आपको यहाँ नाम लिख देना है, जैसे कि यहाँ। इसके बाद आपके दोनों प्रकार के एड्रेस यहाँ 4 और 5 कॉलम में हो जाने चाहिए। इसके साथ 6 नंबर पे आपका सिटीजनशिप है, इसके साथ इंडियन अदर, जन्मतिथि आपकी, और इसके साथ यानी कि 19 अगस्त 2020 को आप कितने माह, कितने दिन और इसके साथ कितने वर्ष के हो गए हैं वो डिटेल्स आपको यहाँ देनी पड़ेगी। और इसके साथ आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए यहाँ, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होने चाहिए, और इसके साथ कब आपका ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया गया है और इसे वो डिटेल्स आपको यहाँ देनी है, लाइट और हेवी दोनों की, यानी कि ये कितने दिनों तक वैलिड है वो जानकारी आपको देनी है। और इसके साथ यदि आपके पास यानी कि इसका अनुभव है तो वो डिटेल्स भी आपको यहाँ देनी होगी। इसके साथ होमगार्ड, यानी कि आपने होमगार्ड की कहाँ सर्विस की है वो डिटेल्स आपको यहाँ देनी होगी। एनी अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यदि आपके पास है तो आप यहाँ अटैच कर सकते हो या लिख सकते हो। इसके साथ यहाँ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स हो जानी चाहिए। तो ये फॉर्म आपको भर के भेजना है, इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं अनिवार्य वो भी आप सेंड कर सकते हो, यानी कि उसकी जेरोक्स आपको सेंड करनी है। इसी के साथ बात करेंगे कैसे इसमें सिलेक्शन होगा। तो इसमें काफ़ी सारी जो स्टेज आपको बताई हैं कि 3 स्टेज के आधार पर आपको इसमें सिलेक्ट किया जाएगा। सिलेबस भी आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा। और इसके साथ देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो ये टोटल आपको यहाँ वेतन दिखाया गया है 19,900, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 अगस्त 2020 रहने वाली है। आपकी उम्र सीमा आपको यहाँ बताई गई है, ये इसकी उम्र सीमा आपको यहाँ बताई गई है। तो फॉर्म भरने से पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त कर लेनी है। इसके साथ बात करेंगे, वैकेंसीज जो आपको मिल रही है वो हैदराबाद से मिल रही है।